आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है एंड गिव वन एग्जांपल। हमें एक एग्जांपल देना है। तो देखो, पॉलीपेप्टाइड जो होता है हमारी सिंगल लीनियर चेन होती है जो कि हमारे अमाइड बॉन्ड से बंधी हुई रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं तो ये उससे ज्वाइन रहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्या होती है, ये हमारी सिंगल लीनियर चेन होती है, ठीक है, जो कि हमारे अमाइड बॉन्ड जो होता है, अमाइड बॉन्ड उससे बंधी हुई रहती है। इसमें हमारी अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ज्वाइनिंग बाय अमीनो एसिड्स, ठीक है। यहाँ पर लगभग हमारे 50 अमीनो एसिड्स होते हैं, ओके। ये हुई हमारी पॉलीपेप्टाइड की बात, ठीक है। अब देखो एज ए एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो देखो हमारी सेकेंडरी और जो हमारी टर्शरी है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है, 3-डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है ना, तो वो जो होता है वो हमारे आता है पॉलीपेप्टाइड्स में। देखो 2-डिग्री स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आते हैं। इनमें क्या होता है, देखो इनमें हमारा अल्फा हेलिक्स, ठीक है, एक तो अल्फा हेलिक्स होता है और इसमें हमारी बीटा प्लीटेड शीट होती है, ठीक है, जो कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हम लेते हैं सी कार्बन, मतलब कार्बन एनआर ग्रुप हमारा NH2 बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, ठीक है, एंड हमारा यहाँ पर होता है H2N अगेन, ठीक है, बॉन्ड कार्बन बॉन्ड R, ओके, यहाँ पे हमारा R डैश भी है, ठीक है, R डैश, एंड सेम यही इसी की तरह से आगे रहता है N2 कार्बन R डैश, ठीक है, एंड R डबल डैश, ठीक है, R R डैश R ट्रिपल डैश, एंड यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब OH, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, इनमें से हमारा H2O निकल जाता है। कैसे निकलेगा H2? यहाँ से तो जो ये हमारा OH रहता है ये निकलेगा और यहाँ से हमारा जो होगा NH2 में से यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें ये क्या देता है, यहाँ पर हमें ये पॉलीपेप्टाइड चेन देगा। देखो कैसे देता है, कार्बन R R डैश, ठीक है, बॉन्ड NH2 बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी एमाइड बॉन्ड किधर है, एमिनो जो होंगे वो किधर जुड़े हुए होंगे, ठीक है। कार्बन बॉन्ड R ट्रिपल डैश बॉन्ड R डैश बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH, ठीक है। तो देखो ये OH जो होता है ये तो होता है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप क्या, जो हमारा कार्बोक्सी टर्मिनल है वो, ठीक है, ये है हमारा कार्बोक्सी टर्मिनल, ठीक है। जो ये होता है ये हमारा एमाइड बॉन्ड होता है, ये जो होता है ये हमारा एमाइड बॉन्ड है, एमाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अमीनो टर्मिनल होता है, ठीक है, अमीनो टर्मिनल है हमारा, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर आगे ना और ये जुड़ा रहता है NH2 बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड R, मतलब सेम जो यहाँ जुड़ा हुआ है ना, ये सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जुड़ा हुआ रहता है बॉन्ड H बॉन्ड सी डबल ओ एच से, ठीक है। तो यह क्या होता है, ये यहाँ पर से यहाँ से H निकल जाएगा एंड यहाँ से OH निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और आगे भी वो इसी तरह से एमिनो जो हमारा अमाइड बॉन्ड होगा उससे मतलब कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉलीपेप्टाइड होता है। तो ये एग्जांपल है हमारे पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, तो सिंगल लीनियर चेन होती है। देखो यहाँ पर सिंगल लीनियर चेन थी जो एमाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहती है और इसमें अमीनो एसिड्स
50 एमिनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। तो देखो एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।